नमस्कार दोस्तों, 4000 रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक कुंदरू की स्पेशल सब्जी बनाएंगे जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होती है और मज़ेदार है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने 1/2 kg कुंदरू ले लिया है, उसे जैसे मैं कूट रहा हूँ वैसे आप उसे तोड़ लीजिए किसी चीज़ में। तो इसे तोड़ लेंगे और उसके बाद दोनों साइड को कट करके अच्छे साफ करके इसे कुकर में 2 सीटी के लिए उबाल लेंगे। तो इसे उबाल के आप रख लेंगे। और इसमें डालने के लिए हमने प्याज ले लिया है 2 से 3 प्याज, मिर्च ले लिया है और टमाटर ले लिया है 2 से 3। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ में डालेंगे लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे इसमें और जीरा पाउडर। जीरा डाल देंगे थोड़ी और उसमें जो प्याज है उसे डाल देंगे, मिर्च को डाल देंगे और कड़ी पत्ती का फ़ौरन लगाएंगे। ये सबको आपस में अच्छे से भून लेंगे जब तक प्याज अच्छे से गल जाएगा। जैसे हमारे प्याज थोड़ा गल जाएगा उसमें लहसुन डाल देंगे कूट के, तो 2 से 3 लहसुन डाल देंगे उसमें, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जो टमाटर था टमाटर उसमें ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से गलाएंगे। तो टमाटर को हमने भून लिया, अब उसमें मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच और इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। आप थोड़ा पानी डाल देंगे, पानी डालने के बाद इसे अच्छे से पानी डाल के भून लेंगे। तो ये हमारा मसाला टमाटर से भून चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, दही डाल देंगे 1 कटोरी। तो ये सब्ज़ी दही के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है और बहुत खाने में अच्छा लगता है। तो दही हमारा 1 उबाल आएगा तो उसमें डाल देंगे जो हमने कुंदरू को उबाला था 2 सीटी में, तो ये काफ़ी अच्छा पक चुका है। और इसे पानी निकाल के सीधा इसे जो हमारा पेस्ट बना है ग्रेवी उसमें डाल देंगे। तो ग्रेवी सीधा इसे डाल देंगे, ग्रेवी को अच्छे से उबाल आने देंगे उसके बाद डालेंगे। और इसमें लगभग से हम 20 से 25 मिनट धीमी आंच में पकाएंगे। अब पहले मिक्स करेंगे ताकि जो कुंदरू है उसके अंदर तक इसमें ग्रेवी अच्छे से सोख जाए और अच्छे से पक जाए, उसमें मसाले उसके अंदर अच्छे से हो जाए। तो इसे 20 मिनट तक पकाएंगे। ये हमारा 30 मिनट लगभग पक चुका है और उसके बाद इसमें ग्रेवी भी कम हो चुकी है, बन के तैयार है, बिल्कुल रेडी है। आप इसे खा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है खट्टी खट्टी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी प्रकार जटर वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और एक बार ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगा। थैंक यू।